हेलो, मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ आश्रम के जनरल डब्बे में। खचाखच भरी पड़ी है और थैंक गॉड मुझे एक स्पेस मिला बैठने के लिए, नहीं तो मिलता नहीं है यहाँ पे। और बहुत भीड़ है, खतरनाक। हेलो फ्रेंड्स, फिर एक रात को स्टे करने के लिए मैं अभी यहाँ पे जयपुर के गेस्ट हाउस में आया हूँ। और पहले एक होटल मुझे मिला था, उसने मुझे एसी का 1000 बोला। फिर मैंने बोला बहुत ज़्यादा है, फिर मैंने बोला नहीं आ जाते हैं। आगे आके मैं यहाँ पे तनवर गेस्ट हाउस में आया और उन्होंने मुझे एसी का बोला 750 बोला। तो रूम गेस्ट हाउस का रूम ये ऐसा है, ये एसी लगा हुआ है, बाथरूम है वहाँ पे। ये मैंने भी वॉश किया था, ये भी मेरा नहीं है, ये पता नहीं क्या है। मैंने बाथरूम में साबुन कुछ नहीं है। तो फिर मिरर है, ये कबर्ड बने पड़े इस तरह से गेस्ट हाउस का। ये बेड है और आई थिंक घर में गेस्ट हाउस बनाया हुआ है। बाथरूम सिस्टम है सर, अंदर से करंट लगानी पड़ेगी क्यों, और ये बाहर से ये तार लगाना पड़ेगा लॉक करने के लिए, चाबी उसका दिलानी पड़ेगी। यहाँ पे नंबर दिया कि अगर कुछ चाहिए तो। हेलो भैया, ये आप, मैं रूम नंबर 202 से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। अच्छा, आप यहाँ इसमें साबुन वाबुन की फैसिलिटी है या बाहर से लेना पड़ेगा? नहीं, बाहर से ग्रोसरी शॉप से आपको लेनी पड़ेगी। अच्छा, ग्रोसरी लेना पड़ेगा, चलो थैंक यू। गेस्ट हाउस में आई थिंक ये सब चीज फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, पानी वानी की बोतल रखना या साबुन या समथिंग ऐसा कुछ। वो लोग कितने देते होटल्स में, शायद वो देते हैं। जब मैं आया था तो मुझे एक होटल का लाइक होटल के सामने मुझे इसमें ऑफर किया था एंड 800 विद एसी रूम, बट उस टाइम मेरे को आई डोंट नो मुझे अगर ज़्यादा है समथिंग। तो मैं यहाँ पे आया गेस्ट हाउस में और इन्होंने तो मुझे 750। सो लेट्स सी। और मैंने एक जगह रुकी चाय पी थी कूलर में, चाय अच्छी थी, मुझे अच्छी लगी चाय वहाँ पे। चाय का तो आपको पता है, बिना चाय की तो अपनी गाड़ी चलती नहीं है। अब भी मैं सोऊंगा, लेटूंगा और शाम को चलते हैं हम लोग वहाँ, क्योंकि सड़क पे वॉक कर रहा था और सडनली मैंने कुछ देखा और मेरी आंखें फट गई। हे प्रभु जगन्नाथम, ये क्या 300 रुपए नॉन एसी और 600 रुपए एसी रूम? अरे यार इधर है। अच्छा ओके बाय, गुड नाइट, गोइंग बैक टू रूम। अकेलड़ी पदो पदी रूम सुमंदा पाए चढ़ी।